हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा बुनाई डिजाइन है, बिगनर फ्रेंडली है, बिगनर्स इसको बहुत आसानी से बना लेंगे, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। सो ये डिजाइन जो है आपका 10 रोज का ये डिजाइन है, यानी कि 10 सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। जो 10 सिलाइयां मैं आपको बताऊंगी, वही 10 सिलाइयां आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो बुनाई और डिजाइन पैटर्न जो है बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें स्टिचेस जो है आपको 7 के मल्टीपल में लेने हैं, यानी कि 7 के गुने में फंदे लेने हैं, प्लस आपको इसमें 3 फंदा एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे मैं फ्रंट साइड से हूँ, तो फर्स्ट रो मेरी जो है फ्रंट साइड से होगी। तो पहला फंदा मैं इस तरह से सीधा, सॉरी, यहाँ से हम डायरेक्टली अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए ये 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाए, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा हम यहाँ बनाएंगे सीधा, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। अब 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा। तो देखिए यहाँ पे ये हमने जो 7 फंदे बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही हम बार बार रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर लास्ट में आ जाएंगे, 2 फंदा ये उल्टा लेके एक फंदा को हम एज स्टिच बना देंगे इस तरह से सीधा बनाते हुए। अब हम आ गए अपनी रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से हमेशा आपको जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बनाना है। तो फर्स्ट जो है उल्टा दिख रहा है, धागा पीछे लेकर जाएंगे। सेकंड फंदा देखिए यहाँ पे सीधा दिख रहा है, तो इसको सीधा बनाएंगे, 1। नेक्स्ट फंदा भी सीधा है, 2। 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ देखिए यहाँ पे पीछे, 1 2 और ये 3। 3 फंदा सीधा दिख रहा है, 3 सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे देखिए, 1 2, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा है, तो इसे उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे लेके जाएंगे, 2 फंदा सीधा, यानी कि जो फंदा हमने फर्स्ट रो में उल्टा बनाया है वो इस सिलाई में सीधा बनेगा, और जो फर्स्ट रो में हमने सीधा बनाया है वो इस सिलाई में उल्टा बनेगा। ये देखिए 2 लाइंस हमने बना के कंप्लीट की। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे सेम टू सेम 6 लाइंस बना के कंप्लीट करूंगी, यानी कि जैसे मैंने ये 2 लाइन बनाई, 1 और 2, ऐसे ही 6 रोज पूरी बना लूंगी मैं। एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा, सॉरी 3 फंदा उल्टा। इसी तरह से मैं यहाँ पे दोनों तरफ से बनाते हुए टोटल 8 लाइंस कंप्लीट करूंगी। इस तरह से देखिए जो जैसा फंदा दिख रहा है बस आपने वैसा ही बनाना है। तीसरी सिलाई हो गई हमारी कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से रो नंबर 4 पे आ गए। पहला फंदा देखिए स्लिप करेंगे, धागा पीछे देखिए, 2 फंदा सीधा है, तो इनको सीधा बनाएंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, उल्टा बना लिया, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, देखिए 2 फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरह से टोटल 8 सिलाई बनाएंगे, 4 बना ली, सेम 4 और बनाएंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है ना, तो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं DIY, स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ। तो एक बार जाके देखिए, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपको पसंद आ जाए, आपके काम का हो। तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और बेल बटन जो है ऑल पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे उस चैनल को भी, जैसे आपने यहाँ पर मुझे प्यार दिखाया है वैसे ही वहाँ पर भी थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से अब हमें तीन सलाइयाँ और सेम बनानी है। रो नंबर 6 सेम टू सेम बनानी है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाएंगे। देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है मैं बस वैसे ही बना रही हूँ। दो ये देखिए तीन फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा बीच में उल्टा है, फिर ये दो फंदा सीधा है, ये देखिए दो सिलाइयां और बनाएंगे सेम। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो, काफी सारे लोग जो है बात करना चाहते हैं, पूछते हैं कि कोई भी डिजाइन उनको जैसे बनाना होगा तो वो कैसे मुझसे फोटो पहुंचाएं, तो मैं आप लोगों से कई बार बोल चुकी हूँ आप लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हो। मैं हर वीडियो में इसलिए बताती हूँ क्योंकि हर वीडियो पे एक नया व्यूअर तो जरूर होता है, इसलिए हर वीडियो में बता देती हूँ मैं कि आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए फोटो, तो वहां पर मैं उसे देखूंगी और फिर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, जो आपको चाहिए वो सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, तो वहां पर आप मुझे वो फोटो भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो चेक कर लिया करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरा एक बार, वीडियो देखते देखते डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करो, वहां पर मेरे अदर्स चैनल के लिंक या फिर कोई भी लिंक, जैसे आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो इस तरह की ऊन सलाइयां कोई भी चीज परचेज करना चाहते हो ना, तो उसमें लिंक दिए हुए हैं वहां से आप खरीद सकते हो। ये जैसे आप ये ऊन जो मैं यूज कर रही हूँ, जिस वीडियो में यूज करती हूँ, जो सलाइयाँ में यूज करती हूँ, या कोई भी चीज क्रोशिया वगैरह, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया करो, वहां पर लिंक दिए हुए थे वहां से परचेज कर लिया करो आप लोग। अब देखो ये हमने बना ली 8 सलाइयां, ठीक है। अब 9th और 10th रो बहुत ध्यान से देख लेना, ये तो बहुत सिंपल थी, बहुत आसान थी, ठीक है। पहला फंदा देखो अब हम स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जो दो फंदे उल्टे हैं ना इसमें से एक फंदा बनाएंगे उल्टा, धागा ऐसे ही रहने। अब ये देखो ये तीन फंदे, एक उल्टा सीधा उल्टा फिर उल्टा सीधा उल्टा, ये तीन यही रहेंगे और ये वाले जो तीन है 6 फंदे आगे के जो है ऐसे पकड़ेंगे, इनको ऐसे निकाल देंगे। अब ये पीछे वाले जो निकाले हैं ना इनको हम पहले ले लेंगे सिलाई पे इस तरह से, ठीक है। इनको हम आगे ले आएंगे, 1 2 3। अब जो फंदा जैसा है ना वैसा ही से बुन देंगे, तो देखो यहाँ पे एक फंदा उल्टा है, इसके बाद एक दो फंदे उल्टे थे ना, तो ये देखिए दो फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर दो फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा देखो ये उल्टा, एक फंदा यहां से उल्टा, क्योंकि यहाँ तीन उल्टे हैं ना बीच में, इसलिए अब तीन फंदे ये फिर छोड़ेंगे और इधर के तीन देखो, 1 2 और ये 3, ऐसे पकड़ लो इनको, ऐसे इनको छोड़ दो, इन तीनों को ऐसे ले लो सिलाई पे इस तरह से, ठीक है, 1 2 3। देखो ये तीन फंदे बीच में उल्टे हो गए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर दो फंदा उल्टा, बिल्कुल रो बन की तरह बनाना है ट्विस्ट करने के बाद, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा हो गया और एक ये नेक्स्ट उल्टा, एज स्टिच सीधा, रॉन्ग साइड से सेम बनेगा बिल्कुल, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो यही 8 सिलाइयां बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला फंदा स्लिप करके, धागा पीछे, 1 2, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, देखो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा, ये देखो सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, देखो तीन फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 1 2
धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और ये दूसरा भी सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो देखो ये जो सिलाइयां मैंने आपको बताई है ना, ये 10 सिलाइयां हो गई। अब नेक्स्ट रो से 8 सिलाइयां जो मैंने आपको बताई, वही आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है, ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न बहुत खूबसूरत बनेगा जब आप इसे ज्यादा फंदों पे बनाएंगे। तो यहाँ देखो मैंने बनाया है इस तरह से, देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन बन के आया है, देखिए कितना प्यारा डिजाइन बन के आया है, सच में अमेजिंग, बहुत सुंदर डिजाइन है। फ्रंट साइड से इस तरह से दिखाई देता है, रॉन्ग साइड से इस तरह से। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, कहीं भी डालिए, हर जगह बहुत खूबसूरत लगता है। एक बार आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।